देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन। नमस्कार, साप्ताहिक न्यूज बुलेटिन उपासना में आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। जन्म और जीवन को शुभ बनाने के लिए इंसान जप और तप की साधना करता है। माना गया है कि प्रभु की उपासना जन्म और जीवन दोनों को कष्टों से मुक्त करती है। आज न्यूज बुलेटिन उपासना में धर्म से जुड़ी प्रदेश की हर एक खबर के साथ करेंगे प्रभु की उपासना। हर धर्म हर मजहब से जुड़ी सारी खबरों से होते हैं रूबरू, ताकि आप घर बैठे कर सकें प्रभु की उपासना। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं धार्मिक खबरों की दुनिया में। अब बात करें मकर संक्रांति के साथ शुरू होने वाले कुंभ स्नान की, तो कुंभ स्नान को पहले एक अवसर कहा जाता था, लेकिन आज इसने समय के साथ देश के बड़े महोत्सव का रूप ले लिया, जिसकी तैयारी कई महीनों पहले ही शुरू हो जाती है। ये पर्व एक धर्म और संस्कृति के बारे में सोचता है। कुंभ या अर्ध कुंभ कोई साधारण पर्व नहीं है, बल्कि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का पर्व है, जिसमें धार्मिक माहौल बड़ा ही अनुपम होता है। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पोषबड़ों का भोग लगाया गया। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधन की ओर से मंदिर में दर्शनों के लिए आए हजारों श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की गई। मंदिर के महंत कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि प्रसादी का भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसादी वितरण का काम शुरू हुआ। पोष बड़ा प्रसादी लेने के लिए मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। सीकर में अजीतगढ़ कस्बे के मुख्य चौपड़ बाजार में पंडित श्री गणेश नारायण बावलिया बाबा की 106वें पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में बाबा की 106 दीपों से महाआरती की गई। लक्ष्मण टेकरी त्रिवेणी धाम के महंत हरिदास महाराज ने बाबा की महाआरती उतारकर आशीर्वचन कहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान बावलिया बाबा की जीवनी पर बनी राजस्थानी फिल्म बावलियो पंडित का LED स्क्रीन पर प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में शिव म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान पोष बड़ा महोत्सव का भी आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। जालौर में रानीवाड़ा के सांकड़ गांव में 7 दिवसीय भागवत कथा और आपेश्वर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर कथावाचक शास्त्री विक्रम प्रसाद ने कहा कि अच्छे कर्म किए हुए लोगों को ही भागवत श्रवण का पुण्य प्राप्त होता है। भागवत की विशेषता बताते हुए उन्होंने कहा कि भागवत कथा सभी ग्रंथों का सार है। इस मौके पर साध्वी सीताराम गिरी जी, सांसद देवजी पटेल, दानाराम चौधरी सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। करौली में राजा मोरध्वज की धार्मिक नगरी गढ़मोड़ा में 2 दिवसीय मेला का आयोजन हुआ, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने राजा मोरध्वज के जयकारे लगाकर पवित्र कुंड में स्नान किया। साथ ही दाऊजी, देवनारायण और कर्मावती मंदिर में दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। वहीं पवित्र कुंड में स्नान करने के लिए दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। इस दौरान कुश्ती दंगल का भी आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र सहित दूर दराज से आए पहलवानों ने जोर आजमाइश की। आपको बता दें कि गढ़मोरा कुंज की एक खास विशेषता है कि इसमें मौसम के अनुसार ठंडा गर्म पानी बहता रहता है। भरतपुर जिले के कामा में सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से आदिनाथ भगवान तलघर वाले बाबा का 26वां प्राकट्योत्सव महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर विजयमती त्यागी आश्रम से मुख्य बाजार होते हुए भव्य रथ यात्रा निकाली गई। मुख्य बाजार में रथ यात्रा के प्रवेश करने पर जैन धर्म के जयकारों से कामा नगरी गुंजायमान हो गई। इस दौरान युवा वर्ग में काफी उत्साह देखा गया।